नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में, सुनिए। बिहार के हर चुनाव में आते हैं तो कहते हैं बिहार को विशेष पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आखिर क्या हुआ? आपने बिहार को जिस तरह से, आप बिहार के लोगों को जिस तरह से जुमलेबाजी करके ठगी का शिकार बनाया, यह स्पष्ट रूप से लोगों के बीच भी समझ में आता है। देखिए, सबको पता है कि बिहार में 17 महीने की महागठबंधन सरकार ने जो नौकरी और रोजगार दिया, जो बिहार में जातीय गणना करा करके 75% आरक्षण की व्यवस्था की, वो आरक्षण की व्यवस्था को जब 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है, तो आप उस पर चुप्पी साध लिए हैं। आप उस पर क्यों नहीं कहते हैं? भारत के संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से आपके ही पार्टी के नेता और आपके सांसद कहते हैं कि बदल दिया जाएगा, तो आप उनको अब तक अपने पार्टी में क्यों बनाए रखे हुए हैं? यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी नीतियां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। आप शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को हक और अधिकार देने के प्रति सजग नहीं है आप।